पहला क्वेश्चन, द एंटोनिम ऑफ मॉडर्न, मॉडर्न का एंटोनिम क्या होगा? आप लोग बताइए, ठीक है? चलिए, मॉडर्न, मॉडर्न मतलब होता है क्या? आधुनिक। आधुनिक का एंटोनिम क्या होगा? हाल ही का, समकालीन, आधुनिकतम बनाना, ठीक है? तो क्या होगा? रिसेंट, एंशियंट, कंटेम्प्रोरी, मतलब मॉडर्न, आधुनिक है। इसका एंटोनिम, एंटोनिम मतलब क्या होता है? उल्टा करना है, ठीक है? उल्टा, तो आधुनिक का उल्टा क्या होगा? तो आधुनिक का उल्टा होता है प्राचीन। क्या होता है? प्राचीन, मतलब एंशियंट इसका सही आंसर हो जाएगा। एंटोनिम मतलब होता है उल्टा, है ना? विपरार्थक शब्द इसका होता है। क्या होता है? विपरार्थक शब्द होता है, ठीक है? तो एंटोनिम का, एंटोनिम इसका हो जाएगा क्या? एंटोनिम मॉडर्न का एंटोनिम हो जाएगा प्राचीन, एंशियंट हो जाएगा, ठीक है? चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन की तरफ लोग करते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए आप लोग। द जजेस डिक्लेयर द पर्सन गिल्टी, गिल्टी मतलब दोषी, ऑफ ऑल द चार्जेस, जितने भी चार्जेज आप पे लगाए गए हैं उस सब के दोषी है ना वो है, मतलब जज डिक्लेयर किए या घोषणा किए कि सब आप ही गुनाह किए हैं। दूसरा का क्या होगा सो बताइए, सेकेंड का आंसर बताइए सारे लोग, सेकेंड का आंसर क्या होगा? सेकेंड का आंसर क्या होगा बताइए? गुड इवनिंग यू का डी। गिल्टी, गिल्टी मतलब होता है क्या? दोषी। गिल्टी मतलब क्या होता है? दोषी। इसका आपको क्या बनाना है? आपको, ठीक है, चलिए, द जज डिक्लेयर पर्सन गिल्टी, गिल्टी मतलब दोषी, और क्या होता है? इनोसेंट। क्या होगा? दूसरा के क्या होगा? दूसरा क्या होगा? इनोसेंट, इनोसेंट मतलब मासूम या निर्दोष। यहाँ पर है दोषी, यहाँ पर है निर्दोष, मतलब इसका क्या हो गया? ये उल्टा हो गया। उल्टा कहिए या विपरार्थक शब्द कहिए? विपरार्थक, विपरार्थक शब्द, ठीक है? विपरार्थक शब्द हिंदी में होता है, और इंग्लिश में क्या कहते हैं? एंटोनिम कहते हैं। क्या कहते हैं? एंटोनिम। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? एंटोनिम पढ़ रहे हैं। एंटोनिम्स मतलब होता है इसका विपरार्थक शब्द, ठीक है, इसका उल्टा। चलिए नेक्स्ट, तीसरा नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी इज द राइट आंसर। क्या होगा? बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, थ्री नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए सारे लोग। क्वेश्चन आपके सामने है, थ्री का जवाब दीजिए। द एंटोनिम ऑफ माइटी, माइटी मतलब होता है ताकतवर, ताकतवर, माइटी मतलब क्या होता है? ताकतवर। इसका बताइए, इसका बताइए, माइटी मतलब ताकतवर, तीसरा गड़ी। चलिए, बिल्कुल सही है। द माइटी, माइटी मतलब ताकतवर, ताकतवर का उल्टा क्या होगा? कमजोर, है ना, बेबस। तो क्या होगा? बी का आपका सही आंसर हो जाएगा। माइटी मतलब ताकतवर, अभी मतलब कमजोर, तो माइटी का एंटोनिम हो जाएगा, विपरार्थक शब्द क्या होगा आपको? है, वीक हो जाएगा, ठीक है। फोर नंबर, चलिए फोर नंबर, फोर नंबर क्वेश्चन को देखिए सारे लोग। फोर नंबर का जवाब दीजिए। ओपन, ओपन मतलब खुला, ओपन द डोर प्लीज, कृपया करके दरवाजा खोलिए, तो इसका क्या होगा? ओपन, 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 ओपन है, तो इसका क्या होगा बताइए? चलिए, सबके सामने है, आपके सामने है, चलिए ठीक है। ओपन मतलब, ओपन मतलब खुलना, तो क्या होगा इसका? फोर का होगा, ओपन मतलब खुलना, क्लोज मतलब बंद करना, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? इसका एंटोनिम, ओपन का एंटोनिम होगा क्लोज। हम लोग कल जो है पिछले दो क्लास में हम लोग सिनोनिम देखे थे, आज हम लोग एंटोनिम देख रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, फाइव नंबर क्वेश्चन देखिए। चलिए जल्दी फाइव नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए सारे लोग। द एंटोनिम ऑफ नेचुरल, नेचुरल मतलब होता है प्राकृतिक, प्राकृतिक का क्या होगा? प्राकृतिक का एंटोनिम बताइए सारे लोग, प्राकृतिक का एंटोनिम बताइए क्या होगा? प्राकृतिक एंटोनिम बताना है सबको, ठीक है, बिल्कुल सही है, सारे लोग सही जवाब दे रहे हैं, है ना। नेचुरल मतलब होता है प्राकृतिक, और आर्टिफिशियल मतलब होता है कृत्रिम या बनावटी, है ना। जो भगवान ने बनाया है, जो अल्लाह ने, ईश्वर ने बनाया है, उसको नेचुरल बोलते हैं, और जो मानव ने, आदमियों ने बनाया है, मनुष्यों ने बनाया है, उसको आर्टिफिशियल बोलते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ, यहाँ पे जो आप ये देख रहे हैं, इसको कौन बनाया है? आदमी ने बनाया है, तो ये आर्टिफिशियल हो जाएगा। ये जो बोर्ड आप देख रहे हैं यहाँ पे जो है, ये क्या है? आदमी बनाया है, आर्टिफिशियल हो जाएगा। लेकिन आप मुझे देख लीजिए, मुझे जो है आदमी में नहीं बनाया है, आप लोग जो है
उसको आदमी ने नहीं बनाया है, पेड़ पौधे हो गए, पहाड़ हो गए, नदियां हो गई, इसको आदमी ने नहीं बनाया है, तो वो नेचुरल हो जाएगा, ठीक है। तो जितने भी जीव है सब नेचुरल होंगे, जिसमें जान है जो प्राकृतिक ने बनाया है वो नेचुरल हो जाएगा, और जो आदमियों ने बनाया है, मनुष्यों ने बनाया है, वो आर्टिफिशियल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, ही इज हैप्पी, प्रसन्न, ही इज हैप्पी ऑफ बीइंग हेयर, वह यहाँ रहकर या यहाँ पे है इसलिए वो खुश है, ठीक है। तो हैप्पी का एंटोनिम बताइए। हाँ, ये एग्जाम में आया क्वेश्चन, सब आपको यहाँ पे बताया जा रहा है, ठीक है। जो भी क्वेश्चन यहाँ पे है, बहुत क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में आया हुआ है। जैसे पहला ही क्वेश्चन आपको बोले थे मॉडर्न, तो मॉडर्न एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन आपको गिल्टी बताया था, तो गिल्टी भी आया था एग्जाम में, ठीक है। चलिए देखिए, ये आप ऐसा कहिएगा तो हम बता दे, ये 2021 के एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है 2021 के एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। आप क्वेश्चन बैंक डिस्कशन कराएंगे ना, तो वहां पे सारा जो है ईयर वाइज लिखा रहेगा, आप फिलहाल पढ़िए, ओके। चलिए आंसर क्या होगा, हैप्पी का प्रसन्न होता है तो क्या होगा, सैड का उदास हो जाएगा, क्या होगा, उदास होगा, तो आंसर बी हो जाएगा, मतलब हैप्पी का एंटोनिम हो जाएगा, क्या होगा, एंटोनिम, ओके। एंटोनिम क्या हो जाएगा, सैड हो जाएगा, हैप्पी मतलब प्रसन्न, सैड मतलब उदास, ओके। चलिए नेक्स्ट, 7 नंबर बताइए। वी आर गोइंग टू टॉक विथ आवर इनेमीज, है ना, हम लोग अपने दुश्मनों से बात करने जा रहे हैं। इनेमीज मतलब क्या होता है, दुश्मन, और दुश्मन का एंटोनिम क्या होगा, ओके, दुश्मन क्या होगा। पीडीएफ में आंसर नहीं रहता है, आंसर ही दे देंगे, तो आप कैसे पता करिएगा कि कौन है, वीडियो देखिए और आंसर खुद से पता कीजिए, ठीक है। वीडियो देखकर और पीडीएफ का रिवाइज करने के लिए, पीडीएफ में भी आंसर दे देंगे तो आपका ज्यादा दिमाग काम नहीं करेगा, है ना, आंसर नहीं रहता है इसलिए आप लोग दिमाग लगाते हैं, इसलिए आंसर नहीं है। आंसर टिक करने में हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको रेड कर देंगे या ब्लू कर देंगे, कलर बदल देंगे, हो गया, वो बाएं हाथ का खेल है ना, लेकिन ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा, इसलिए आंसर नहीं दिया जाता है, ठीक है। चलिए चलिए ठीक है ना। इनेमिज मतलब क्या होता है, दुश्मन होता है, और यहाँ पे फ्रेंड्स मतलब दोस्त हो गया, मतलब इसका इनेमिज का एंटोनिम क्या हो गया, फ्रेंड हो गया, ओके। चलिए नेक्स्ट, 8 नंबर क्वेश्चन बताइए, 8 नंबर क्वेश्चन बताइए। द एंटोनिम ऑफ अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव मतलब आकर्षक होता है, अट्रैक्टिव मतलब क्या होता है, आकर्षक, इसका एंटोनिम बताइए सारे लोग। चलिए एंटोनिम बताइए, एंटोनिम ऑफ अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव का एंटोनिम बताइए क्या होगा, अट्रैक्टिव मतलब आकर्षक। 8 नंबर का बताइए सारे लोग। ये भी क्वेश्चन जो है 2021 के एग्जामिनेशन में पूछा गया है, ठीक है। जितना भी क्वेश्चन बताया जा रहा है सब एग्जाम में पूछा ही हुआ है, ओके, बिल्कुल सही है। अट्रैक्टिव मतलब आकर्षक, और रिपल्सिव मतलब होता है अप्रिय या प्रतिकारक, प्रतिकारक मतलब जो देखने में ठीक ना हो, मतलब आकर्षक नहीं हो, है ना, प्रतिकारक हो, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, चैट बंद कर देंगे तो कैसे फिर होगा, आप लोग का आंसर कैसे होगा, ठीक है, क्या होगा, डी आंसर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, 9 नंबर, 9 नंबर का जवाब दीजिए सारे लोग, क्या होगा 9 नंबर का आंसर। द एंटोनिम ऑफ एक्सेप्ट, एक्सेप्ट मतलब क्या होता है, स्वीकार करना, इसका एंटोनिम बताइए सारे लोग। चलिए एंटोनिम बताइए, ओके, एंटोनिम मतलब स्वीकार करना, और रिजेक्ट मतलब होता है अस्वीकार करना, बिल्कुल सही है ना, बिल्कुल क्या है यहाँ पे सही है, बस ये आपको प्रैक्टिस करवा रहे हैं, ये क्या है, ये प्रैक्टिस सेशन है, आगे आके आपको बनाना होगा, तब दिमाग लगेगा आपका ज्यादा, ओके। यह प्रैक्टिस है कि आपको कैसे पहचानना है और कैसे जो है इसको आंसर करना है, ठीक है। चलिए, द एंटोनिम ऑफ अलाइव, अलाइव मतलब होता है जीवित, ठीक है, अलाइव मतलब क्या होता है, जीवित, इसका सिनोनिम बताइए क्या होगा।
एंटोनिम है, इसका सिनोनिम बताइए क्या होगा। ठीक है, टेन का क्या होगा? बिल्कुल सही है प्रिया, टेन का क्या होगा? डी आपका सही आंसर होगा, एंटोनिम ऑफ अलाइव। अलाइव मतलब होता है जीवित, और जीवित का उल्टा क्या होगा? डेड होगा, मृत्यु होगा। ठीक है, मृत होगा। चलिए 11 नंबर, 11 नंबर का जवाब दीजिए सारे लोग। एंटोनिम ऑफ एक्टिव, एक्टिव मतलब होता है सक्रिय। हाँ बिल्कुल सही जवाब है आप सभी का। चलिए एक्टिव, एक्टिव मतलब होता है सक्रिय। इसका इसका जवाब दीजिए सारे लोग, इसका जवाब दीजिए। ठीक है, ठीक है, सही है। एक्टिव मतलब होता है सक्रिय, इनएक्टिव मतलब होता है निष्क्रिय, मतलब ए आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 12 का आंसर बताइए सारे लोग, 12 नंबर आंसर बताइए। द एंटोनिम ऑफ बैड, बैड मतलब क्या होता है? खराब। ओके, बैड मतलब क्या होता है? खराब। बैड खराब हो गया, और क्या, गुड क्या हो गया? अच्छा हो गया। तो आपका बी आपका क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 13 नंबर। 13 नंबर देखिए, 13 नंबर देखिए। द एंटोनिम ऑफ कैच, कैच मतलब होता है पकड़ना, कैच मतलब क्या होता है? पकड़ना। ओके चलिए 12 का आंसर बता, 13 का आंसर बताइए सारे लोग। डब्लू शर्मा, मंजू झा, 13 का डी। ओके सुप्रिया डी है, और ठीक है, द एंटोनिम ऑफ कैच। ओके द एंटोनिम ऑफ कैच, कैच मतलब होता है पकड़ना। ओके कैच मतलब होता है पकड़ना। 13 का आंसर, कुछ डिफेक्ट आ रहा है 13 में। चलिए सारे लोग दिमाग लगाइए, बताइए 13 का आंसर। बिल्कुल, जिसका आंसर ए ड्रॉप है वो सही है। नहीं ना, कैच मतलब पकड़ना और ड्रॉप मतलब गिरा देना। एक होता है, एक पकड़ के रखे हुए हैं और इसको क्या किया? गिरा दिए। तो पकड़ना या छोड़ना, ये ना, या गिरा देना, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ठीक है, सिनोनिम से आसान एंटोनिम है। अच्छा ठीक है, चलिए आगे पता चलेगा। अभी इजी इजी है ना, इसलिए है ना, हिंदी लिख दिए हुए हैं इसलिए लग रहा होगा, है ना, आगे जब बताएंगे तो पता चलेगा। चलिए द एंटोनिम ऑफ कैच, कैच मतलब होता है पकड़ना और ड्रॉप मतलब होता है छोड़ना, तो एंटोनिम क्या होगा कैच का? ड्रॉप होगा। ओके चलिए 14 नंबर का आंसर बताइए सारे लोग, 14 नंबर का आंसर बताइए। द एंटोनिम ऑफ एंजॉय, एंजॉय मतलब आनंद लेना, है ना, एंजॉय मतलब आनंद लेना। चलिए बताइए द एंटोनिम ऑफ एंजॉय, एंजॉय मतलब आनंद लेना होता है। ठीक है, एक होता है आनंद लेना, खुश होना, एक होता है हेट करना, घृणा करना। ठीक है, नहीं कहते हैं, एक है बहुत आनंद यहाँ आ रहा है, बहुत घिन बढ़ रहा है, मतलब आनंद का क्या होगा? घृणा होगा, एंटोनिम। ठीक है, बाकी ये सब तो हो नहीं सकता है, हल्क मतलब लोग पसंदीदा, पसंद करना, ऐसा तो होगा नहीं, ये सिनोनिम टाइप का ही लग रहा है, एंटोनिम तो होगा नहीं। ठीक है चलिए 15 नंबर का आंसर बताइए सारे लोग। ओके द एंटोनिम ऑफ हैप्पी, हैप्पी का एंटोनिम आप बताइए सारे लोग। ठीक है, हैप्पी का एंटोनिम बताइए, हैप्पी का एंटोनिम बताइए सभी। हैप्पी मतलब प्रसन्न, ठीक है, हैप्पी का मतलब पहले ही बता ही है, हैप्पी मतलब प्रसन्न, और सैड मतलब क्या होगा? उदास। 15 का क्या होगा? ये आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 15 हो गया, 16 नंबर का आंसर बताइए सब। 16 नंबर, द एंटोनिम ऑफ हीट, हीट मतलब गर्मी। ओके हीट मतलब गर्मी, इसका एंटोनिम, इसका एंटोनिम बताना है सभी को। ओके अंजलि कुमारी, ए आपका किस क्वेश्चन का आंसर है वो क्वेश्चन नंबर लिख दीजिए, जैसे प्रिया कुमारी लिख रही है 16 का सी, डब्लू लिख रहा है 16 का सी। ओके देखिए क्या होगा, गर्मी, हीट मतलब गर्मी और कोल्ड मतलब सर्दी। ओके कोल्ड मतलब क्या होगा? सर्दी। बिल्कुल सही जवाब है, 16 का क्या होगा? सी आपका सही आंसर होगा। ठीक है चलिए 17 का आंसर बताइए सारे। द एंटोनिम ऑफ ग्रेट, ग्रेट मतलब महान, महान, ग्रेट का एंटोनिम क्या होगा? ग्रेट का उल्टा क्या होगा? ओके
ग्रेट का उल्टा क्या होगा? रजत, अंजलि सब बताइए, 16 हो गया, 17 का बताइए सब। एक आदमी एक ही बार जवाब दीजिए, नहीं तो किसी का पढ़ा नहीं होता है। प्रिया कुमारी 17 का बी, सुप्रिया, ओके, प्रिया, पुष्पांजलि सबका है, डी भी है, बी भी है। अच्छा देखते हैं, ग्रेट मतलब महान, ग्रेट मतलब महान होता है, ठीक है। सारे लोग हाँ इसी में फंस गया, इतना ही में। देखियो देखो सब, एंटोनिम ग्रेट मतलब महान होता है, ऑर्डिनरी मतलब साधारण होता है, ठीक है। तो ग्रेट का एंटोनिम क्या होगा? ऑर्डिनरी। ए स्मॉल मतलब छोटा है, ये बिग का है, बिग का एंटोनिम क्या होगा? या स्मॉल का एंटोनिम बिग होगा, या बिग का एंटोनिम क्या होगा? स्मॉल होगा, बड़ा छोटा है ना। यहाँ पे महान और ये क्या है? साधारण। नहीं कहते हैं वह एक महान आदमी है और तुम क्या हो? बहुत ही साधारण आदमी हो। साधारण मतलब तुच्छ व्यक्ति है, ठीक है, सिंपल है, एकदम उसका कोई जो है ऐसे की अति नहीं है। ओके चलिए नेक्स्ट, आगे हम लोग चलते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन बताइए, 18 का जवाब बताइए। द एंटोनिम ऑफ लाइट, लाइट मतलब क्या होता है? रोशनी। ओके इस तरह सर सब बता देगा। 18 का बताइए, 18 का एंटोनिम बताइए, 18 का एंटोनिम बताइए। बिल्कुल सही है, लाइट मतलब रोशनी और डार्क मतलब अंधेरा। 18 बिल्कुल बी आपका एकदम बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। चलिए 19 नंबर बताइए, 19 का आंसर बताइए। 19, 19 का बताइए आंसर। द एंटोनियम ऑफ न्यू, न्यू मतलब नया, 19 का ए, प्रिया, ओके सबका ए है, बिल्कुल बिल्कुल सही है। न्यू मतलब नया हो जाएगा और ओल्ड मतलब पुराना हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, द एंटोनियम ऑफ सोलिटारी, सोलिटारी मतलब होता है अकेला, नोआइजी मतलब क्या है? अब क्या होगा? सोलिटारी मतलब अकेला, इसका क्या होगा बताइए? 20 का आंसर बताइए, 20 का। बिल्कुल सही है, एंटोनिम ऑफ सोलिटरी मतलब होता है क्राउडेड, क्राउडेड मतलब भीड़ भाड़ वाला, ओके मतलब सोलिटरी मतलब अकेला है, अकेले है, एक आदमी है, और क्राउडेड मतलब भीड़ भाड़ वाला होगा, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? क्राउडेड इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 21 नंबर आंसर बताइए, 21 नंबर। द एंटोनिम ऑफ नेटिव, नेटिव मतलब मूल निवासी, नेटिव मतलब क्या होता है? मूल निवासी, इसका आंसर बताइए। एंटोनिम ऑफ नेटिव, नेटिव मतलब मूल निवासी क्या होगा? इंडिजिनस, एंडेमिक, अलाइड, इनबॉर्न, क्या होगा एंटोनिम ऑफ नेटिव? ठीक है, नेटिव मतलब मूल निवासी होता है, ठीक है। चलिए का इसका आंसर बताइए। मूल निवासी को ही देशज बोलते हैं, इसका उल्टा बताना है, इसका उल्टा होगा अलाइड। अलाइड मतलब होता है संबद्ध, संबद्ध मतलब होता है वह मूल निवासी यहाँ का नहीं है, यहाँ से संबंध रखता है, ठीक है। जैसे आप अगर बिहार के हैं और दिल्ली जाइएगा तो हम क्या बोलेंगे? आप दिल्ली से संबद्ध रखते हैं, है ना। मूल निवासी वहां का नहीं है, मूल निवासी आप बिहार के है, तो मूल निवासी होता है जहां पे उसका जन्म हुआ रहता है, जहां पे उसका जो है क्या जन्म लेना रहता है, कर्म उसका रहता है, वहां उसको मूल निवासी कहते हैं। और कहीं पर आके काम कर रहे हैं तो उससे वो संबद्ध है, ठीक है। तो अलाइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा? अलाइड हो जाएगा, ठीक है। जन्मजात, जन्मजात जो होता है आप कहाँ रहते हैं? नेटिव मूल निवासी जन्मजात होते हैं, स्थानिक जो लोकल होगा आदमी, ठीक है, मूल निवासी होगा, देशज मतलब उसी जगह का होगा, ठीक है। तो आपका संबद्ध, अलाइड इसका एंटोनिम हो जाएगा, संबद्ध है, क्या है? संबद्ध वो है, वहां पे है नहीं, उसे संबद्ध रखता है, ठीक है, वहां से जुड़ा हुआ है। एंटोनिम ऑफ मॉडर्न है ना, मॉडर्न का एंटोनिम बताइए।
चलिए क्वेश्चन आ चुका है, द एंटोनिम ऑफ मॉडर्न, मॉडर्न बताइए। 23 का, 2022 का आंसर बताइए सारे लोग। 22 का ए, देखते हैं क्या होता है आंसर। मॉडर्न मतलब होता है क्या? मॉडर्न मतलब होता है आधुनिक। मॉडर्न मतलब क्या होता है? आधुनिक। और एंशियंट मतलब होता है प्राचीन। तो आंसर क्या होगा आपका? ए नंबर सही हो जाएगा। एक है आधुनिक और एक है प्राचीन, इसका उल्टा है। क्या है? उल्टा है, एंटोनिम है। ओके चलिए नेक्स्ट। 23 नंबर का जवाब दीजिए। पैसिफाई, पैसिफाई मतलब होता है शांत करना। पैसिफाई मतलब क्या होता है? शांत करना, ठीक है। ओके पैसिफाई मतलब क्या होता है? शांत करना। 23 का आंसर बताइए सारे लोग। चलिए हम देख रहे हैं, 23 का आंसर बताइए सभी लोग। बिल्कुल सही है ना। पैसिफाई मतलब शांत करना, और एजिटेट मतलब होता है आंदोलन करना या हलचल मचाना या कोलाहल करना, ठीक है। तो एजिटेट आपका सही आंसर हो जाएगा। एजिटेट का एंटोनिम होगा पैसिफाई, या पैसिफाई का एंटोनिम होगा एजिटेट, ठीक है। एक दूसरे का एंटोनिम है, ऐसा नहीं है कि एजिटेट का एंटोनिम पैसिफाई है। पूछेगा पैसिफाई का एंटोनिम क्या होगा, तो एजिटेट, एजिटेट का एंटोनिम पैसिफाई, दोनों उल्टा है, ठीक है। द सेंटोनिम ऑफ ओबीडियंट, ओबीडियंट मतलब होता है आज्ञाकारी। ओबीडियंट मतलब क्या होता है? आज्ञाकारी। चलिए इसका 24 नंबर का आंसर बताइए। 24 नंबर का आंसर बताइए। ट्वेंटी फोर का आंसर बताइए सभी। आज्ञाकारी। और एक होता है अन रियोली, अनियंत्रित या मुंहजोर, नहीं कहते हैं वो बहुत मुंहजोर है, मतलब आज्ञा मानता ही नहीं है, किसी की बात सुनता ही नहीं है। तो अनरियोली आपका ओबीडियंट का क्या हो जाएगा? या एंटोनिम हो जाएगा, ठीक है। चलिए और 25 नंबर क्वेश्चन तो देखिए। 25, द एंटोनिम ऑफ रूथलेस। रूथलेस मतलब क्या होता है? क्रूर, ठीक है, क्रूर। 25 का आंसर बताइए सभी लोग। पच्चीस का आंसर बताइए। बिल्कुल सही है। ओके रूथलेस मतलब होता है क्रूर, है ना, क्रूर नहीं। आ एक होता है मर्सीफुल, मर्सीफुल मतलब कृपालु। ओके मर्सीफुल मतलब क्या होगा? कृपालु। जैसा कि आपको बताया गया है कि आपका जो लाइव क्लासेज है, ठीक है, बुक का जो लाइव क्लासेज है वह कितने बजे? शनिवार को और रविवार को। शनिवार और रविवार को 9 बजे से, 9 बजे शाम को, जैसे अभी चल रहा है 9 बजे शाम को, ठीक है, 9 बजे शाम को ऐप पर, है ना, एपेक्स इंग्लिश क्लासेस का जो ऐप है इस पे चलेगा, ठीक है। और ये लाइव क्लासेस चलेंगी, ये लाइव होता है आपका जैसा कि आपको पता है। और यूट्यूब पर जो लाइव है, यूट्यूब पर जो लाइव है वह मंडे से, है ना, वो भी 5 दिन रहेगा, मंडे टू फ्राइडे, मंडे टू फ्राइडे रहेगा, मंडे टू फ्राइडे, है ना। यूट्यूब पर लाइव जो है वह बुक का 7:30, है ना, शाम से चलेगा। ओके 7:30 बजे शाम से, है ना, यूट्यूब पर लाइव चलेगा मंडे टू फ्राइडे। ये भी बुक ही चलेगा, ये यूट्यूब पर लाइव आएगा, और यह जो है 9 बजे आपको एप्लीकेशन पर लाइव आएगा, ठीक है। तो आप दोनों क्लास को ज्वाइन कीजिएगा, आपको ज्यादा फायदा मिलेगा, ठीक है। और अन्य भी अपने मित्र, अपने दोस्तों को जोड़िए इस क्लास से, ठीक है। और इसका पार्ट 2 हम कल देखेंगे, और उसमें जो है हिंदी नहीं लिखा होगा, हिंदी लिखा होगा इसका, लिखा होगा ऊपर का नहीं लिखा होगा, तो आपको ये थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। ओके तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और खाना उना खा के ही आप लोग सोइएगा, ठीक है। चलिए कल मिलते हैं फिर।